तुझे है फाइनली मकई की रोटी और सरसों के साग के लोग। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ यहाँ पे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ सरसों के साग की, और मकई की रोटी बनाऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अभी ये बहुत सारा साग है, ठीक है, अभी इसको मैं धो लूँगी अच्छे तरीके से। मैं इसको धो लूँगी और फिर मैं इसको बॉईल कर लूँगी। अभी ये सारा जो है बिल्कुल साफ़ है, ये खुद का जैसे कि मैंने लिया नहीं है, ये ज़मीन से मेरी अम्मी गांव से लेके आई हैं, तो ये भी मैं अभी बनाऊँगी। बिल्कुल साफ़ सुथरा ज़मीनों में जो है उगा हुआ साग है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है। जैसे पानी में बॉयल आएगा मैं इसमें साग जो है वो मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, उसको मैं फिर डाल दूँगी। तो ये देखें, ये सरसों का साग बॉयल हो चुका है। अभी मैंने इसका पानी उचड़ने के लिए रख दिया है। एक साइड पे यहाँ पे मैंने हांडी रख दी है। हांडी में तकरीबन क्वार्टर कप मैंने जो है ऑयल डाला है, और अब इसमें ये प्याज ऐड कर दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अच्छी तरह से प्याज को भुनेंगे। हल्का सा जो है वो मतलब कलर आएगा, तो फिर मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अच्छा, तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अदरक नहीं डाला है, ये लहसुन, ये लहसुन इसको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे पीस लिया है, और इसको अभी मैं डाल दूँगी। ठीक है, अदरक मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, लहसुन सिर्फ डाला है मैंने। तो ये देखिए, इस तरह से प्याज तकरीबन पक चुके हैं, और इसमें डाल दूँगी मैं यहाँ पे लहसुन का पेस्ट। जब तक ये भी बीच में पकेगा, फिर मैं इसमें टमाटर और मसाले डाल दूँगी। अभी इसी के बीच में मैं टमाटर जो है वो कटिंग कर दूँगी, टमाटर और हरी मिर्च डालूँगी, और फिर उसके बाद जो है मैं मसाले वसाले इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे टमाटर, दो टमाटर लिए हैं, और उसमें तकरीबन 3 से 4 मैंने हरी मिर्च जो है वो कटिंग कर दी है। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया, और ये मिक्स मसाला है। इसमें साबुत जो है वो धनिया भी है, और मेथी भी है, और बाकी सारे मसाले मिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है ज़ीरा पाउडर, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। नमक अपने जायके के हिसाब से डालिएगा, मैं थोड़ा कम कर देती हूँ क्योंकि अम्मी को बीपी का मसला होता है, तो फिर इस वजह से मुझे कम डालना पड़ता है। ये रेड चिली पाउडर है, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मैं और भी डाल दूँगी। ठीक है, और ये अब डालूँगी मैं गरम मसाला, अब इसको मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे आप देखें, तैयार हो चुका है तकरीबन लहसुन भी बीच में, और अभी ये सारे मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर वगैरह भी सारी चीज़ें। अच्छी तरह से मैं मसाले को भून लूँगी, और ये जो साग पड़ा हुआ है इसको मैं वो कर लूँगी, थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। इसमें ये देखो, ये हल्दी मैं डाल रही हूँ, ये हाफ टी स्पून डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये सूखी मिर्च डाल रही हूँ, ये भी तकरीबन हाफ टी स्पून होगी। अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी। हांडी में ये ऐसा सही बात होती है ना कि हांडी में जो बनाते हैं उसका जायका बड़ा अच्छा होता है,
अगर किसी ने नहीं बनाई है, जिनको जिन्होंने बनाई होगी उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं बनाई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हांडी में बनाऊंगी। अब मसाले जब तक भुनेगा मैं साग को एक ग्राइंड कर देती हूँ। यहाँ से उठाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल दूँगी। गरम मिर्चा मैं डाल के सारा इसी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। है और अब इसमें यह साग डाल दूंगी। ये देखिए साग बहुत ही मज़ेदार, इसकी खुशबू आ रही है। ये थोड़ा सा जो है गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है और मेथी, कसूरी मेथी, ठीक है, इसमें मैंने डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल स्लो बिल्कुल के हम जो है इसको थोड़ा सा रखेंगे, ऊपर से ढक देंगे और फिर हमारा गरम गरम बहुत मज़ेदार जो है वो सरसों का साग तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे, अभी यहाँ पे ना मैं बनाऊंगी मकई की रोटी, ठीक है। मकई की रोटी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप, यहाँ पे 1 कप मैंने लिया है मकई का आटा और इसमें डालूंगी यहाँ पे 1 और ये 2 हो गए। तकरीबन यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने भर के डाले हैं मैदे के, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे डालूंगी नमक डालूंगी, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी और फिर एक बाउल में मैंने यहाँ पे अंडा डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मैं इस तरह से फेंट लूंगी और फिर इसमें दूध डाल दूंगी। बगैर गूंदे जो है आप मकई की रोटी बनाएंगे आटा बगैर गूंदे। अभी मैं यहाँ पे इसमें डाल दूंगी दूध। ये मैंने डाल दिया है, तकरीबन मैंने ये 1/2 कप डाला है। अभी देखती हूँ कि और कितना लगेगा। अब मैं ऐसा करूँगी कि ये इसको मैं रख देती हूँ साइड पे और ये वाले ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें मैदे में डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और फिर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैं इसको मिक्स करके मैं बताती हूँ आपको कि और मैंने कितना डाला है, ठीक है। अभी मैं डालूंगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से इसको फैला दिया है। आप जितना बड़ा करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी जब तक ये पक नहीं जाए नीचे से। मैं बताऊंगी आपको कितना टाइम लगाऊंगा मुझे, ठीक है। मैंने पलट लिया है, वैसे मैंने जल्दी पलट लिया, थोड़ा सा टाइम उसको लगता था लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया। तकरीबन इसको जो है आप 5 मिनट कम अज़ कम इसको तक के लिए अच्छी तरह से पकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि ये बिल्कुल जो है स्लो ज़्यादा थोड़ा जल्दी होती है, पता नहीं क्यों मुझे जल्दी हो जाती है तो मैं बिल्कुल भी ठहर नहीं पाती हूँ। आप ऐसे कीजिएगा कि इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ज़रूर, तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार जो है मकई की रोटी और ये बिल्कुल बगैर गूंदे आटा जो है आपके सामने है। ऐसे कीजिएगा कि पहले अंडा और अंडे को मैश करके ना फिर उसमें जो है आप तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने डाले हैं मैदे के भी और 1 कप मैंने डाला है इसमें
का ही आटा मैंने डाला है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो है ऊपर कितना बड़ा आप बनाना चाहती हैं, लेकिन कोशिश करें कि काम छोटा सा ही हो। तो ये इस तरह से आप सारे में तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद दूसरा साइड पलट लिया है, ठीक है। तो इस जहाँ पे एक बन चुकी है अभी मैं दूसरी बनाऊंगी। और अगर आप इसी में इसको मसाले वाली बनाना चाहती हैं तो सेम बिल्कुल यही होगा। बीच में इसमें आप थोड़ा सा प्याज ऐड कर दें, हरा धनिया ऐड कर दें, कोशिश करें कि हरा प्याज ही ऐड कर दें इसमें। और जो सब्ज़ी का आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, कुटी मिर्च डालें, जितना स्पाइसी करना चाहते हैं आप ऐड कर दें तो वो भी बहुत ही अच्छा बनेगा। मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, अगर आप न्यू हैं और आपने मेरे चैनल पर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर मिल जाएगी। तो मैं अभी और बना आप इसको मीठा बनाना चाहते हैं तो मीठा भी बना सकते हैं। इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा तो ये मीठी रोटी बन जाएगी। और इसमें थोड़ा सा नमक तो ऐड कीजिएगा, लेकिन इसमें चीनी जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी डाल के दीजिएगा और ये मीठी रोटी तैयार हो जाएगी। और ये सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बहुत टेस्टी है। नाश्ते के टाइम पे अगर मीठी बनाए तो बहुत अच्छी बनेगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी संडे को मैं आपको ये इसकी रेसिपी दे दूँगी मीठी कैसे बनाते हैं। बाकी भी कुछ सेम है पर इसका इसमें ये है कि अंडा इसमें कोई अंडा डालें मैदा और ये क्या कहते हैं कि सॉरी मकई का आटा डालना है, डालना है और इसमें चीनी ऐड कर देंगे। जितना आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं कम खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप ऐड करना। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ये देखिए एक साइड से है और ये दूसरे साइड से तो ये देखिए आप प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और वीडियो लाइक नहीं करते यार, लाइक में इतनी कमी से क्यों करते हैं। ज़रूर वीडियो लाइक किया करें और ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका मकई की रोटी और सरसों का साग वो कैसे बना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, गाँव में याद रखें।